हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। लास्ट क्लास हमारी ऑटोमेशन की थी, तो आज टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ऐसे अपडेट से जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री बेसिक टाइप। तीन तरीके का ऑटोमेशन होता है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में लगभग हर बार आता है ये, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। और बच्चों, ऑटोमेशन क्या होता है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ इसका, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है फिक्स्ड ऑटोमेशन। इट इज़ अ सिस्टम इन विच द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। द ऑपरेशन इन द सीक्वेंस आर यूजुअली सिंपल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड ऑटोमेशन, इसका मतलब यह है बच्चों कि जो भी आप ऑपरेशन का प्रोसीजर एक बार सेट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका बहुत टाइम तक वही चलेगा, ठीक। दूसरी चीज़, ये ऑटोमेशन जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए वैलिड है, जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ करनी है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो आपके प्रोसेस है उसका जो सीक्वेंस है वो फिक्स है कि मान लो पहले अगर ड्रिलिंग होनी है, ड्रिलिंग के बाद टर्निंग होनी है, ठीक है, बिल्कुल पैटर्न फिक्स है, तो वहाँ पर इस ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है। अब इसके फीचर देखते हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि आपको एक बार में सेटअप जो है स्टार्टिंग में लगाना होता है, ठीक है। हाई प्रोडक्शन रेट, जहां आपका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, जहां आपको मास प्रोडक्शन करना होगा, वहीं आप फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हो। थर्ड है रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस। अब बच्चों, जब आपको पता है कि आपने सीक्वेंस को फिक्स कर दिया है ना, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट में चेंज करने हुए तो वो आप इसमें नहीं कर पाओगे, आपकी फिर पूरी लाइन बैलेंस, जो लाइन का बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो इसमें आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन में है ना, या प्रोडक्ट के ऑपरेशन के सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जो एक बार फिक्स है आपको उसी पर ही अपनी प्रोडक्शन को कैरी रखना है, समझ में आ रहा है। और अगर आपको कुछ नया प्रोड्यूस करना है तो फिर आपको पूरी लाइन चेंज करनी होगी, आपको नई लाइन बनानी होगी। तो ये बच्चों फिक्स्ड ऑटोमेशन है। आगे देखिए, द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर फिक्स्ड ऑटोमेशन इज फाउंड इन प्रोडक्ट्स वेरी हाई डिमांड रेट्स एंड वॉल्यूम्स। इस ऑटोमेशन का बेनिफिट तभी होता है जब आपके प्रोडक्शन जो रेट है वो बहुत हाई हो, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, इसमें इनिशियल कॉस्ट आपकी बहुत हाई आ रही है। अब सपोज करो आपने बहुत सारा खर्चा किया, लाइन लगा ली, ठीक है, तो वो आपका एवरेज बच्चों तभी निकल के आएगा, आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपकी प्रोडक्ट की सेल बहुत हाई हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उसकी बिक्री करते हो, तभी ये आपको जस्टिफाई करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिक्स्ड ऑटोमेशन इंक्लूड मशीनाइज्ड असेंबली एंड मशीनिंग ट्रांसफ़र लाइन। तो जैसे असेंबली होती है तो वहाँ फिक्स है, मान लो एक जैसे बाइक की असेंबली हो रही है या किसी कंपोनेंट की असेंबली हो रही है, तो वो फिक्स होती है कि ये लाइन इस कंपोनेंट के लिए बनी है, वो 5 साल 10 साल, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होने, तो वो वैसे ही उसमें काम करता रहेगा, ठीक है ना। जैसे हमने, जैसे शुगर मिल हो गया, आप एग्जाम्पल लो, जैसे शुगर मिल में मान लो लाइन बनी हुई है शुगर कैन की, तो वो एक बार इस्टेब्लिश हो गई तो उसमें कोई चेंजेस तो होने नहीं है, है ना, तो वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो इस तरीके की जो है दैट इज़ फिक्स्ड ऑटोमेशन, अगर आप उसमें कोई ऑटोमेटिक मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है बच्चों। सेकंड है बच्चों प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन फिक्स्ड ऑटोमेशन से थोड़ा सा एडवांस है, नाम से आपको पता चल रहा है प्रोग्रामेबल, मतलब जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एक ऐसा ऑटोमेशन जिसमें आप प्रोग्राम फीड कर सकते हो, बात समझ रहे हो ना। अब स्टार्ट करते हैं। इन दिस द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिज़ाइन विद द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू एकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कोई चेंज करना है तो वो आप प्रोग्राम के थ्रू उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सेकेंड है द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोडेड
सो दैट द सिस्टम कैन रीड एंड इंटरप्रेट देम। ये क्या चीज़ है बच्चों कि आपको जो भी आपका सिस्टम है या जो मशीन है, ठीक है, या जो ऑपरेशन के सीक्वेंस हैं उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। किसकी हेल्प से? उसको आप करते हो एक प्रोग्राम की हेल्प से। और प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें निर्देश दिए गए हों कि आपको लीनियर मोशन करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करना है, फीड इतनी है, ठीक है, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन फीड किए हैं एक प्रोग्राम के थ्रू फीड किए हैं, ठीक है, तो वो इन प्रोग्राम को फीड करके आपकी जो मशीन्स हैं वो रन करती हैं। आगे देखिए, न्यू प्रोग्राम्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड एंटर्ड इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको कोई डिज़ाइन में चेंज करना है, सपोज़ करो, ठीक है, तो हमने बताया कि यहाँ पे ऑप्शन है चेंज करने का, तो आपको क्या करना है कि जो भी उसमें प्रोग्राम फीड है उसको वहाँ से हटाना है, ठीक है, और देन नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें जो है वो फीड कर देना है। फिर थोड़े से टूलिंग के, अब जब आपको पता है अगर प्रोग्राम चेंज हो रहा है तो टूल्स भी चेंज हो सकते हैं, टूल की सेटिंग चेंज हो सकती है, जिग्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में, ठीक है, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो, देन आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे। फीचर्स देख लेते हैं इसके। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस इक्विपमेंट, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हाई है, ठीक है, लो प्रोडक्शन रेट रिलेटिव टू फिक्स्ड ऑटोमेशन, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन रेट है बच्चों वो फिक्स्ड ऑटोमेशन से कम है, तो ये बेसिकली जो है बैच प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड कर देता हूँ, ये भी पिछली स्लाइड में मास प्रोडक्शन आया, इसमें बैच प्रोडक्शन आया, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के टाइप्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें तीन तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। तो तीन तरीके के प्रोडक्शन है, तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से देख लेना। बच्चों इंजीनियरिंग में हमें टॉपिक बहुत सारे पढ़ने होते हैं क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ऐसा नहीं है आप कोई रैंडमली कोई सी भी वीडियो उठाएंगे और वो आपको क्लियर हो जाएगी, आपको प्रीवियस टॉपिक भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के जो हैं वो फीचर्स हो गए, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको कोई डिज़ाइन चेंज करना है तो आपको देन जो है फिर नया प्रोग्राम फीड करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उतना प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पर जितना फिक्स्ड प्रोडक्शन में, वो फिक्स्ड ऑटोमेशन में होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो मास प्रोडक्शन है। एग्जांपल देख लीजिए इसका, इंक्लूड एनसी मशीन टूल्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट। तो एनसी मशीन टूल्स में भी यही होता है, रोबोट्स में भी यही होता है, आपको एक बार प्रोग्रामिंग फीड करनी होती है देन वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, और आपको उनसे कोई न्यू टास्क कराना है तो आप न्यू प्रोग्राम फीड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये चीज़ समझिए बच्चों, ये जो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आपने पढ़ा है ना उसी में थोड़ा सा एडवांस किया है इन्होंने। क्या चीज़ है? इट इज़ ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट फॉर चेंज ओवर्स फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या कर रहे थे, थोड़ा समझिए, जैसे आपको कोई नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, नया प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हो, ठीक है, उतनी देर पे मशीन रुकी हुई है, बस प्रोग्राम चेंज करके ला रहे हो और आप उसमें फीड करते रहो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लॉस्ट होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है कि आपने कहीं प्रोग्राम फीड कर रखा है या पहले से बना रखा है तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो सबमिट कर देते हो मशीन में विदाउट एनी टाइम वेस्ट। यहाँ पे आपको मशीन रोकनी नहीं होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिक वे में आपका प्रोग्राम मशीन में फीड हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे जो पैलेट हो या जिग्स हो, फिक्सचर हो, टूलिंग हो, वो भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रोग्रामेबल और फिक्स्ड में बस इतना ही अंतर है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में आपको नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन को रोकना पड़ता है देन आपको प्रोग्राम फीड करना होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आपको मशीन रोकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपका चलता रहता है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये लिखा है कि देयर इज नो प्रोडक्शन टाइम लॉस्ट वाइल रीप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड चेंजिंग द फिजिकल सेटअप। यहाँ पे ये वाली वेस्टेज नहीं हो रही, ना तो आपको प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए मशीन रोकनी है, ना आपको उसके टूलिंग के, जिग्स के, ये फिजिकल सेटअप चेंज करने के लिए मशीन रोकने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप पैलेट्स, ऑटोमेटिक पैलेट्स, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन।
फीचर्स ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या है इनके, हाई इन्वेस्टमेंट फॉर ए कस्टम इंजीनियर्ड सिस्टम, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी समझ गए कि कंटिन्यूस तो आप प्रोडक्शन कर ही रहे हो और वो भी वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है तब भी, है ना, तब भी आप जो है इसको प्रोड्यूस कर। नेक्स्ट है कि मीडियम प्रोडक्शन रेट, यहाँ पर प्रोडक्शन रेट जो है आपका ना ज़्यादा है ना कम है, दैट इज़ मीडियम। और फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिएशन, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, अगर प्रोडक्ट में डिज़ाइन हो रहे हैं चेंजेस तो आप यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो आप उसके चेंज कर सकते हो, प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस को ईजिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने तीनों तरीके के ऑटोमेशन पढ़ लिए, अब इनका तीनों का एक कंबाइंड डायग्राम है वो आप देख लिख लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक्स एक्सेस पे जो है प्रोडक्ट वॉल्यूम है आपका और वाई एक्सेस पे प्रोडक्ट की वैरायटी है, ठीक है। तो अभी देख रहे हो आप ऊपर लिखा है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, द सेंटर इज द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एंड द लास्ट इज फिक्स्ड ऑटोमेशन। तो ग्राफ तो रीड करना जानते ही हैं बच्चे, देख रहे हो जैसे फिक्स्ड ऑटोमेशन जो है वो लास्ट में लिखा है और जिधर प्रोडक्ट वॉल्यूम को जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको पता है कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब हाई प्रोडक्शन रेट होते हैं, फ्लेक्सिबल में थोड़े कम होते हैं, मीडियम है और प्रोग्रामेबल में लो है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट की वैरायटी जो है अब वो देखिए ऊपर को जाने से बढ़ रही है, तो वो फिक्स्ड ऑटोमेशन में सबसे कम होती है, वहाँ पे कम वैरायटी है, फ्लेक्सिबल में मीडियम है और प्रोग्रामेबल में ज़्यादा है। तो ये आप लास्ट में या लास्ट में आप क्वेश्चन के बना देना इसको, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।